मार्जिनल कॉस्टिंग अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर टू पीरियड्स आर एज फॉलो दो अवधियों की कुल लागत एवं लाभ निम्न प्रकार हैं। पीरियड वन टोटल कॉस्ट नाइन लाख रुपीज पीरियड टू टोटल कॉस्ट थर्टीन लाख रुपीज प्रॉफिट एक लाख रुपये एवं दो लाख रुपये कैलकुलेट पी वी रेशियो ब्रेक एवन पॉइंट सेल्स सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट एट अ सेल ऑफ रुपीज सेवन लैख क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर दो अलग अलग अकाउंटिंग ईयर की टोटल कॉस्ट एवं प्रॉफिट दिए हुए हैं एंड कंपनी का हमें यहाँ पर पी वी रेशियो ब्रेक एव पॉइंट सेल्स ढाई लाख रुपए का प्रॉफिट फर्म अर्न करना चाहती है तो कंपनी को कितना सेल्स करना होगा एवं सात लाख रुपए यदि कंपनी सेल्स करती है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट अथवा कितना लॉस होगा ये कंपनी की हमसे रिक्वायरमेंट है सबसे पहले हमें यहाँ पर पीवी रेशियो रेशो कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो रेशो का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू हंड्रेड फिर से मैं फॉर्मूला रिपीट करता हूँ चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू हंड्रेड प्रॉफिट में होने वाला परिवर्तन एवं सेल्स में होने वाला परिवर्तन सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है उसको देखना है क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर सेल्स दी हुई नहीं है दोनों पीरियड की हमको टोटल कॉस्ट मालूम है एवं दोनों पीरियड का हमको यहाँ पर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है बट सेल्स हमको मालूम नहीं है एंड जब तक हम यहाँ पर सेल्स का पता नहीं चलेगा तब तक हम यहाँ पर पी वी रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सेल्स कैलकुलेट करना होगा सेल्स का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके हम यहाँ पर सेल्स प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में सेल्स की कैलकुलेशन करना है पीरियड वन की सेल से नाइन लेख प्लस वन लेख इज टू टेन लाख रुपीज नाइन लेख की टोटल कॉस्ट है एंड एक लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों को एड करने पर हमको पीरियड वन की दस लाख रुपए की सेल्स प्राप्त होती है पीरियड टू की सेल्स है थर्टीन लेख प्लस टू लेख तेरह लाख प्लस दो लाख रुपये दैट इज पंद्रह लाख रुपए की सेल्स हमारी सेकेंड पीरियड की आती है इस प्रकार सबसे पहले हमने सेल्स का कैलकुलेशन किया अब उसके बाद हम यहाँ पर पीवी रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू हंड्रेड प्रॉफिट में होने वाला परिवर्तन प्रॉफिट एक लाख रुपए से दो लाख रुपए फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में हो गया है इसका मतलब एक लाख रुपए का प्रॉफिट में परिवर्तन हुआ है इसी प्रकार सेल्स पीरियड वन के अंदर दस लाख रुपए जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है एंड सेकंड पीरियड की सेल पंद्रह लाख रुपए हो चुकी है इस तरह से सेल्स में होने वाला परिवर्तन पाँच लाख रुपये का है वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करने पर हमें पी वी रेशियो ट्वेंटी परसेंट का प्राप्त होता है वन लैख अपन फाइव लैक इन हंड्रेड दैट इज ट्वेंटी परसेंट इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में पी वी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सेल्स को कैलकुलेट किया है अब हम पी वी रेशियो के बाद में ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैलकुलेट करते हैं बी पी सेल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जैसा हमको मालूम है कि बी पी सेल्स को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यू एंड इन क्वांटिटी। यदि हम बीपी सेल्स को वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो यदि बीपी सेल्स क्वांटिटी में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पी रेशियो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है बट क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर फिक्स ओवर रेट गिवन नहीं है इसीलिए हमें सबसे पहले फिक्स ओवर कैलकुलेट करना है फिक्स ओवर का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस करके हम फिक्स ओवर कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो दोनों पीरियड में से किसी भी एक पीरियड को बेस बनाकर हम उसकी सेल्स एवं उसका प्रॉफिट यहां पर ले सकते हैं हमने सेकेंड पीरियड का सेल्स यहां पर पंद्रह लाख रुपया लिया है जिसके ऊपर हमने पीवी रेशियो को अप्लाई किया फिफ्टीन लेख इंटू ट्वेंटी परसेंट तीन लाख रुपये का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इस कंट्रीब्यूशन में से सेकेंड पीरियड का हम यहाँ पर प्रॉफिट माइनस करते हैं दो लाख रुपये और हमें फिक्स ओवर रेट एक लाख रुपये प्राप्त होती है हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जिस ईयर की हम यहाँ पर सेल्स लेते हैं उसी ईयर का हमको प्रॉफिट फॉर्मूला में यूज करना है फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए पीवी रेशियो एंड फिक्स ओवर रेट कैलकुलेट करने के बाद अब हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं बीपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पी वी रेशियो इन टू हंड्रेड फिक्स कॉस्ट वन लाख रुपीज पी वी रेशियो ट्वेंटी परसेंट इस तरह से बीपी सेल्स हमारी आती है फाइव लाख रुपीज पांच लाख रुपए बीपी सेल्स कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमसे है यदि फर्म दो लाख पचास हजार रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसे कितना सेल्स करना होगा हम इस दो लाख पचास हजार के प्रॉफिट को यहां पर डिजायर्ड प्रॉफिट बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है उसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो फार्मूला एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट वन लाख रुपीज डिजायर्ड प्रॉफिट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पी रेशियो ट्वेंटी परसेंट वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करने पर हमारा आंसर आता है सेवनटीन लेख फिफ्टी थाउजेंड सत्रह लाख पचास हजार रुपए इस तरह से दो लाख पचास हजार रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी को सत्रह लाख पचास हजार रुपए की सेल्स करनी होगी नेक्स्ट सॉल्यूशन जो कंपनी की जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वह इस प्रकार है यदि कंपनी सात लाख रुपए का सेल करती है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एट ए सेल ऑफ रुपीज सेवन लैख फार्मूला है सेल्स इंटू पी वी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूं सेल्स इंटू पी वी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट सेल्स हमारी सेवन लैख रुपीज पी वी रेशियो ट्वेंटी परसेंट सेवन लैख इंटू ट्वेंटी परसेंट वन लैख फोर्टी थाउजेंड वन लैख फोर्टी थाउजेंड में से हमने फिक्स कॉस्ट वनने को माइनस किया तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है चालीस हजार रुपए तो कंपनी यदि सात लाख रुपए का सेल करती है विक्रय करती है तो कंपनी को चालीस हजार रुपए का प्रॉफिट प्राप्त होता है एक बार फिर से हम यहां पर सारे आंसर डिस्कस करते हैं पी रेशियो के लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज सेस इन टू हंड्रेड पी वी रेशियो हमारा आता है ट्वेंटी फिक्स ओवर का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सेल्स इन टू पी वी रेशियो वाला फॉर्मूला इस तरह से फिक्स ओवर रेट हमने एक लाख रुपए प्राप्त की है बीपी सेल्स को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो अप्लाई करने पर हमें बीपी वैल्यू में प्राप्त होती है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमें बीपी इन यूनिट्स प्राप्त होती है यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट का एक लेवल हमें ऑलरेडी गिवन है उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना सेल्स किया जाना चाहिए उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो यदि क्वेश्चन में सेल्स का कोई लेवल दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे चाहता है कि इस लेवल पर